इसमें हर महीने आपके जो मासिक आता है उसके 3rd to 8th डे के बीच में स्वयं अपने स्तन की जांच करनी है, अपने विद द फ्लैट ऑफ द फिंगर्स पिंच नहीं करना है, पोक नहीं करना है, एंड आपको जांच करना है क्या क्या देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी तरह कोई गांठ नहीं है, निपल अंदर तो नहीं खिंचा हुआ है, निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ब्रेस्ट के स्किन पे कोई रैश या कोई नया डेवलपमेंट तो नहीं है। अब ये चेंजेस तभी पता चल पाएंगे अगर वो महिला हर महीने अपने स्तन का जांच कर रही है। अगर आप हर महीने नहीं करते हैं, वन फाइन डे यू विल गेट अप एंड आपको देखेंगे, अरे तो आप सब, मतलब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इसी तरह से बोलते हैं कि हमें लगा कि ये बहुत पहले से ही है या मतलब बहुत दिनों से है एंड इट्स इनसिग्निफिकेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ब्रेस्ट कैंसर का जो लंप होता है वो पेनलेस होता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है जब तक कि वो स्किन इन्वॉल्व नहीं करे। तो हमारे पास जो 90% महिलाएं आती है वो लंप के साथ या थोड़ा सा भी पेन होता है तो वो आ जाती हैं। तो 90% ऑफ द ब्रेस्ट लंप्स आर नॉन मेलिग्नेंट, ओनली 10% ऑफ ब्रेस्ट लंप कैंसरस होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आपके साथ जुड़ेंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि अभिषेक कृष्णा जी हैं, जो कि मेदांता लखनऊ से हैं और ब्रेस्ट एंड थायराइड कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। जी सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कैंसर पर बात होना मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज का दिन भी ऐसा है कि हमें जी बात करना लाजिम है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थायराइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों के आप स्पेशलिस्ट हैं, तो पहले ब्रेस्ट कैंसर पर आते हैं। जी महिलाएं इसको लेकर की काफी कॉन्शियस रहती हैं, इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के दो कॉजेज होते हैं, बेसिकली दो पार्ट में उसका इटियोलॉजी डिवाइडेड होता है। एक होते हैं मॉडिफाइबल कॉजेज, जो कि मतलब हम लोग अपने रहन सहन और रवैये से चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज, जो कि चेंज नहीं हो सकता, जो कि इनहेरेंट है। जैसे कि नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज में सबसे पहले एज, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क एज के साथ इंक्रीज होता है। सेकेंडली जेंडर, जनरली वीमेन वेमेन में ही होता है, ऑल्दो मेन मेल ब्रेस्ट कैंसर भी होते हैं, बट 99% तो कैंसर अकर इन फीमेल। तो फीमेल होना ही एज सच एक ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है, जो कि चेंज नहीं हो सकता है, अच्छा, दैट इज अ नॉन मॉडिफाइबल। हाँ, इसके अलावा दो और रिस्क फैक्टर्स हैं, विच इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, जी अर्ली मेंस्ट्रुएशन, अर्ली मेनार्की जिसको बोलते हैं, जी एंड लेट मेनोपॉज। अच्छा सो दीज आर फैक्टर्स विच कैनॉट बी चेंज्ड, विच कैनॉट बी मॉडिफाइड। सो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का जो लिंक पाया गया है, वो पाया गया है कि द ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, एक हार्मोन होता है जो फीमेल में सिक्रीट होता है, जी तो ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ऑफ द ब्रेस्ट, तो जितना ज्यादा ड्यूरेशन ब्रेस्ट का ईस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है उतना रिस्क इंक्रीज होता है। इसीलिए मेनार्की एंड मीनोपॉज, अर्ली मेनार्की लेट मेनोपॉज, तो ड्यूरेशन बढ़ गया ब्रेस्ट कैंसर ईस्ट्रोजन का इफेक्ट का, एस्ट्रोजन का, जी तो इसके कारण दिस 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 इज वन ऑफ द नॉन दीज आर द नॉन कॉज। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अच्छा अब कमिंग टू द मॉडिफाइबल, जो कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, जी उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्टिव इज ब्रेस्ट फीडिंग। आइडियली ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, एंड इट इज फाउंड टू बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। इसके ओके अलावा जो और सब कैंसर से रिलेटेड भी होते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब जितना यू नो कट डाउन करें या फिर नहीं ना करें तो बेस्ट है, बट एटलीस्ट कट डाउन करें, तो दीज आर ऑल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ये जेनेटिक भी होते हैं क्या सर? यस, कमिंग टू दैट ओके पॉइंट, या जेनेटिक भी होता है, बट जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 to 10% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर्स। 90 to 95% वो स्पोराडिक, जिसको हमको बोलते हैं, जो कि नॉन हेरिडिटरी होता है, वो होता है कि फैमिली में कभी किसी को नहीं हुआ है और पहली बार किसी महिला को हो रहा है, तो वो स्पोराडिक हो गया। अब अगर फैमिली में हो गया तो फिर, और स्पेशली अगर यंग वुमेन में हुआ, यंग से मतलब less than 40-45 years old, तो वी एडवाइज जेनेटिक टेस्टिंग फॉर सच पेशेंट्स टू नो कि वो जेनेटिक म्यूटेशन है कि नहीं है। अगर वो है तो वो सब्सिक्वेंटली फिर उनके सिबलिंग्स में एंड चिल्ड्रन में भी वी हो डू दैट सकता है। टेस्ट टू नो कि वो जीन है कि नहीं। अगर वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है थ्रू आउट, तो ये फिर हेरिडेटरी के को हम लोग इसको हेरिडेटरी ब्रेस्ट कैंसर लेबल कर देते हैं। तो उसे रोका कैसे जाएगा? मतलब अगर सपोज ये हो गया कि हाँ, ये जेनेटिक है और ये आने वाले जो अपकमिंग जो बच्चे हैं उसके, कहीं उसे ना हो, तो इसको कैसे रोकेंगे हम? जी, उसके बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं। जैसे हम आई होप कि एवरीवन माइट बी नोइंग अबाउट एंजेलिना जोली, जो एक एक्ट्रेस हैं, हाँ हाँ फिल्म एक्ट्रेस, या शी वॉज BRCA पॉजिटिव।
BRCA जीन होता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन जीन, बहुत सारे जीन्स होते हैं कॉमनली BRCA1 BRCA2 ये मोस्ट कॉमन जीन्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिलेट कॉज पाया गया है। तो जैसे एंजेलिना जोली ने कहा था कि बायलैटरल प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी, मतलब दोनों देखिए ब्रेस्ट दोनों ब्रेस्ट शी गॉट इट रिमूव्ड बोथ द ब्रेस्ट, बट माइंड यू इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ बोथ द ब्रेस्ट एब्सोल्युटली रिस्क डिक्रीज नहीं होता है, देयर स्टिल 5% चांस की ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है इवन आफ्टर रिमूवल। या बिकॉज सारा ब्रेस्ट टिश्यू अपेरेंटली नहीं निकल पाता है, कुछ एक्सिलरी टेल होता है एंड और भी थोड़े बहुत ब्रेस्ट टिश्यू कहीं ना कहीं अगर रह जाते हैं तो वी कैन नॉट से दैट प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी करना इज एब्सोल्यूट कि भाई इसके बाद आपको ब्रेस्ट कैंसर होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बट पीपल गेट इट डन, जिसको जैसे BRCA1 जीन किसी में पॉजिटिव है या BRCA2, तो अगर हम नॉर्मल महिलाओं की बात करें तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क मान लीजिए 10-20% है स्पोरैडिक, तो इन केसेस में इट्स एज हाई एज 80% एंड इट इंक्रीजेस विद एज, तो वो होना ही होना है ऑलमोस्ट 80-100% मतलब होना ही होना है। और नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, अगर BRCA जीन पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट के साथ साथ ओवेरियन कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल्सो प्रोस्टेट कैंसर, ये सब कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। मेल ब्रेस्ट कैंसर इज जनरली एसोसिएटेड BRCA2 जीन। तो जिन जैसे कोई महिला है जिसमें BRCA2 जीन पॉजिटिव है, उनका कोई बेटा है, तो उस उनको भी जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई फीमेल्स को ही टेस्ट करना है, लेकिन अगर BRCA2 जीन पॉजिटिव है तो उस केस में मेल ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क मोर देन 5% है, जो नॉर्मली लेस देन 1% होता है। तो उस केस में जो सन है उसको भी जीन जेनेटिक टेस्टिंग करना जरूरी है। सो लेट्स कम टू द मेडिकेशन। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ सर्जरी ही, क्योंकि जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आमतौर पर, क्योंकि मेरे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा था कि क्या सिर्फ सर्जरी ही इसका एक जो है वो रास्ता है इसे बचने का, या फिर मेडिकेशन के थ्रू भी कुछ किया जा सकता है। देखिए ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी तरह का कैंसर, उसके इलाज के बहुत सारे यू गो थ्रू मेनी डिपार्टमेंट्स एंड मेनी प्रोटोकॉल्स, तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर इन द सेंस कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं जिसमें कि सर्जन, रेडियोथेरेपिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड यू कैन से साइकियाट्रिस्ट और रिहैबिलिटेटिव सर्जन और एनेस्थेसिस्ट, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास या मरीज किस स्टेज में आया है। ब्रेस्ट कैंसर के बेसिकली 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 जब वो लेस देन 2 सेंटीमीटर और स्तन में ही रहता है, स्टेज 2 में 2-5 सेंटीमीटर स्तन में रहता है, अब स्टेज 3 में क्या होता है वो स्तन से बाहर साइड की गांठों में चला जाता है, स्टेज 4 में मतलब बॉडी में फैल गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन कौन से स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसके बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। अब कौन सा द सीक्वेंस चेंजेस एंड कौन सा थेरेपी किसको देना है, कब देना है, किस तरह से देना है, कौन सा पहले देना है, ये सब डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड सर्जरी तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में इट्स नेसेसरी अनटिल एंड अनलेस इट्स अ मेटास्टैटिक डिजीज, स्टेज 4 डिजीज। स्टेज 4 डिजीज में वी डोंट एडवाइस फॉर सर्जरी अनलेस, उसमें भी एक कैवियट है, अनलेस वो या तो जैसे घाव बहुत ज्यादा बहुत बड़ा घाव बन गया हो, उसे डिस्चार्ज हो रहा हो पेशेंट को डे टू डे, मतलब पैलिएटिव सेटिंग में हम लोग स्टेज 4 में या जब फैल जाता है तब सर्जरी करते हैं, बट दैट इज नॉट क्यूरेबल। ब्रेस्ट कैंसर इज क्यूरेबल इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 100%, बट स्टेज 3 एंड 4 में फिर इट्स जस्ट सिंपली पैलिएटिव, उस स्टेज से भी क्यूरेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए वी स्ट्रेस अपॉन कि अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स एंड इट कैन ऑल्सो सेव ब्रेस्ट। हाउ कैन इट सेव ब्रेस्ट, क्योंकि पहले जो ट्रीटमेंट था कि भाई ब्रेस्ट कैंसर हो गया पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया, अब आज के डेट में इट्स नॉट नेसेसरी अप टू स्टेज 2 एंड इवन अगर साइड में फैल गया और कहीं और नहीं फैला है, ट्यूमर साइज छोटा है तो वी कैन जस्ट रिमूव द ट्यूमर एंड द लिम्फ नोड्स फ्रॉम द साइड ऑफ द एक्सिला एंड वी कैन गिव द पेशेंट रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी प्लस माइनस हार्मोनल थेरेपी, जैसे मैंने कहा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर, तो उससे मैनेज हो जाता है। तो जरूरी नहीं है जो जनरल वो है ना कि भाई पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकाल देना, इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फॉर एनी वुमन, आई कैन डेफिनेटली एनीवन कैन रिलेट विद दैट। तो पूरा ब्रेस्ट निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ट्यूमर
एंड उसके साथ थोड़ा सा मार्जिन लेके निकाल देते हैं, एंड वी डू इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन ऑल्सो टू कन्फर्म कि मार्जिन नेगेटिव है। सिमिलरली एक्सिला, एक्सिला में भी जरूरी नहीं है कि अगर गांठ है तो वो पॉजिटिव ही होगी, तो उसके लिए देयर समथिंग कॉल्ड अ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसमें कि डाई इंजेक्ट करके हम लोग देखते हैं कि भाई कौन सा लिम्फ नोड में वो डाई जा रही है, उस डाई को हम लोग ऑपरेशन के दौरान ही फ्रोजन सेक्शन भेजते हैं। अगर उसमें कैंसर सेल्स हैं तो हम लोग फिर एक्सिला का पूरी सर्जरी करते हैं, अगर उसमें कैंसर सेल्स नहीं है तो इसका मतलब एक्सिला का सर्जरी करना जरूरी नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी हमारे साथ देने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजें, तो थैंक यू सो मच। और जैसा कि सर ने बताया हमें कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपने कैसे उसने डील करना है, और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रिकॉशंस लें, आई मीन एटलीस्ट आप एक रेगुलर चेकअप कराएं, अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है, कोई गांठ जैसा कुछ फील होता है तो आप उसका चेकअप कराएं, और इससे जो है वो आपकी ब्रेस्ट भी बच सकते हैं और आपकी जान भी बच सकती है। तो अभी हमारे साथ संदीप वर्मा जी हैं जो कि मेदांता लखनऊ से हैं, और मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अभी एक खबर आई है वाराणसी में पीबीसीआर एक संस्था है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि पिछले 6 सालों में 15,000 मरीज कैंसर के डिक्लेयर हुए हैं और इनमें से ज्यादातर पुरुष हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि क्या ये सच्चाई है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कैंसर का खतरा ज्यादा होता है? नमस्कार। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज हर जो जैसा कि मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की जो है वो बिकॉज हमारे कल्चर और सोसाइटी में वो पुरुष उसमें ज़्यादा ही व्यसनों में ग्रसित रहते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको, लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस एंड ऑल फैक्टर्स, तो ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। आउट ऑफ दीज कैंसर्स जो बल्क ऑफ कैंसर्स बताते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर होता है, और ये जो हमारा रीजन है इसमें टोबैको च्यूइंग जो कि मेन कारण है हेड एंड नेक कैंसर्स का, वो बहुत ही कॉमन है, टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग। उसके बाद स्मोकिंग की वजह से ही जीआई कैंसर्स और ये रहते हैं, सेकेंड नंबर में जीआई कैंसर्स आते हैं जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है। उसके बाद बिकॉज ऑफ एंडेमिसिटी ऑफ दिस एरिया फॉर गॉलब्लैडर डिजीजेस एंड गॉलब्लैडर कैंसर, तो गॉलब्लैडर कैंसर भी इवन वर्ल्ड में हाईएस्ट इंसिडेंस लगभग इसी रीजन में है। सो आपका कहना एकदम ही सही है कि इस एरिया में कैंसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और ख़ासतौर से पुरुषों में, बिकॉज इस तरह के व्यसन पुरुषों में बहुत कॉमनली पाए। लाइफस्टाइल कितना बड़ा फैक्टर है? लाइफस्टाइल बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड कैंसर डे, और कैंसर से लड़ने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो उसका प्रिवेंशन होता है, बिकॉज जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स की राय होती है अर्ली स्टेज के कैंसर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है वो अवेयरनेस की कमी, आप और हम मिलके बैठ के ये प्रोग्राम भी इसीलिए चला रहे हैं कि लोगों में ये अवेयरनेस फैले, वो इसके लिए अवेयर हो, अवेयर होंगे, और अगर अर्ली डिटेक्शन हो रहा है और अर्ली डिटेक्शन से भी पहले अगर हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जैसा कि आपका प्रश्न था प्रिवेंशन करने के लिए हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे और अपने आप को पहले से ही स्वस्थ रखना होगा, तो हम कैंसर के अलावा बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। एक खबर ये बताती है कि आने वाले समय में एक कुछ आंकड़े उन्होंने बताए थे कि आने वाले 30 सालों में जो है वो करीब 3 मिलियन लोग कैंसर से जूझ रहे होंगे, और उनमें से एक प्रमुख कारण जो है उन्होंने मोटापे को बताया है। शराब कैंसर की तो बात, शराब और तम्बाकू की तो बात आपने कर ही दी है, मोटापे से भी क्या कैंसर होता है जनरेट? आई एम अ जी आई सर्जन, और इस तरह के केसेस हमारे या इस तरह से मोटापे से रिलेटेड कैंसर्स हमारी फील्ड में सबसे कॉमन रहते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट एंड गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, मोटापे की वजह से इस समय जो है करंटली अराउंड, जैसे यूएस में है, हम भी यूएस के ही बहुत सारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉलो करते हैं, अराउंड 40% चाइल्ड आर हैविंग चाइल्डहुड ओबेसिटी। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी अभी एपिडेमिक की तरह फैल रहा है बिकॉज ऑफ फास्ट फूड,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और इवन स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, प्लस कल्चरल डिटेरियरेशन हो रहा है उसकी वजह से, प्लस जितना भी हमारा ये ऑनलाइन गेमिंग एंड डिजिटल जितना भी है उसकी वजह से बच्चों का घर से निकलना भी नहीं हो पाता है। तो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं अलोंग विथ स्ट्रेस एंड फूड हैबिट्स। तो मोटापा बचपन से ही बढ़ता जा रहा है, मोटापा कैंसर के अलावा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो आपकी बात सुन करके अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर यहीं पे बात देंगे आती है प्रिवेंशन की, तो जी प्रिवेंशन जो है वो उसकी स्टार्ट से पहले हो जाती है। तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी है कि हम इसको शुरुआत में होने से ही रोक सकें, जिससे कि हमारे पास एक हेल्दी पॉपुलेशन हो जो देश को आगे बढ़ा सके। ओके लास्ट सवाल आपसे, फूड हैबिट्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए ताकि हम आपने बताया कि प्रिवेंशन करना जरूरी है, तो हम प्रिवेंट कर सके कैंसर को, कैसी फूड हैबिट्स इम्पोर्टेंट है? फूड हैबिट्स आपको, एक तो फूड रेगुलर इंटरवल पे करना चाहिए, हैबिट्स टाइमिंग हो गई, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ फूड जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है जिसमें हमारे पास फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का बैलेंस अलोंग विथ मिनरल्स, विटामिन्स और रेशेदार जी फाइबर, फाइबर जो है फाइबर जो रेशेदार हमें मिलता है वो हमें फलों से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, मोटे अनाज से मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी मोटे अनाज के या मिलेट्स को जिनको काफी प्रमोट मिलेट्स कर को रही है प्रमोट कर रही है, जी बिकॉज दीज फूड्स आर ये मेन कारण रहते हैं कोलोरेक्टल, पेंक्रियाटिक एंड मैनी अदर कैंसर्स। ओके तो अगर हम अपनी खाने में, डाइट में अराउंड 30 ग्राम्स फाइबर पर डे लेंगे, फर्स्ट थिंग जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कॉन्स्टिपेशन से आप बचेंगे, देन कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका रोल है। ओके थैंक यू सो मच सर, अच्छी जानकारी आपने बताई है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों तक काफी कुछ पता चल गया होगा, जो माँ बाप स्पेशली आपने मुझे जो बताया कि जो बच्चे बचपन से ही जो है ओबेसिटी के शिकार होते हैं, तो माँ बाप को भी ये पता चल गया होगा कि अगर बच्चे एक्सेसिव फूड ले रहे हैं तो आप उनको वहीं पर रोकें क्योंकि आगे चल करके ये उनके लिए घातक हो सकता है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अनामिका, जिनसे आज हम बात करेंगे कैंसर पर। मैम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी बजट पास हुआ है और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक घोषणा की है कैंसर को लेकर के, उन्होंने 14 साल तक की बच्चियों के लिए जो है वो फ्री वैक्सीनेशन कर दी है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो ऐसे में आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि एग्जैक्टली ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, क्यों होता है, और वैक्सीनेशन इसको किस तरह से बचा सकता है, मतलब किसी व्यक्ति को कैसे बचा सकता है? एक्चुअली जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, और इंडिया में फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है फीमेल्स में होने वाला कैंसर, फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर है। बस एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर की एक यूनिक पार्ट ये है कि इसका प्रिवेंशन बहुत इजी, जस्ट लाइक अभी तक के डिस्कशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी कैंसर हो उसके लिए ट्रीटमेंट से मोर इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम सर्वाइकल कैंसर के केस में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो प्री कैंसरस स्टेज है उससे ओके कन्वर्ट होने में, कैंसर में कन्वर्ट में ये 10 to 15 ईयर का गैप होता है, और ओके इसका जो हम डिटेक्शन है ना वो बहुत सिंपल स्टेप से कर सकते हैं, और ये एक सिंगल कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन है। एक्चुअली ओके होता क्या है कि हम डॉक्टर्स बहुत लोगों को काउंसिल करते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आजकल बहुत ज्यादा लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या फंसती थी, एक्चुअली जो पहले सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन थी थोड़ी सी वो अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम पड़ती थी। लाइक अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो जो अभी तक जनरली वैक्सीन थी टू टाइप की थी, एक बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट, ये थोड़ी ब्रॉड चीज हो जाएंगी, बट उसकी 3-3 डोज लगती थी और उनकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती थी। अच्छा अब सर्वाइकल कैंसर के केस में क्या है कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी इसलिए लाई है, लाइक अभी ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ सिंपल वैक्सीन की वजह से और जो इसके सिंपल डिटेक्शन के मेथड्स हैं जिसे हम पैप स्मेयर कहते हैं, ऑलमोस्ट जो सर्वाइकल कैंसर वो इरेडिकेट हो चुका है। तो ओके हमारी इंडिया में भी जो गवर्नमेंट है इसी चीज को प्रमोट कर रही है कि लाइक जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो एचपीवी एक वायरस होता है,
जो कि लाइक जेनाइटल रूट से ही ट्रांसमिट होता है. इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं, लाइक मल्टीपल सेक्स पार्टनर और लाइक बहुत सारे फैक्टर्स हैं. लाइक आजकल जैसी लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो रही है तो बहुत सारे उसके रीजंस हैं. तो जो आजकल की जनरेशन है वो सेक्स एक्टिविटीज में अर्ली इंडल्ज हो रही है ना, तो एक हम लोगों का लाइक जो गवर्नमेंट है उस चीज को प्रमोट कर रही है कि उन्होंने क्या किया कि 9 to 12 इयर्स की एज की सभी गर्ल्स को कि स्कूल लेवल पे फ्री वैक्सीनेशन हो जाए. लाइक जैसे हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हुआ है उसमें एक नया आया है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन. लाइक उसकी वजह से क्या होगा कि अगर वैक्सीनेटेड है तो उसमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क 60% ड्रॉप कर जाएगा. और इसलिए आजकल गवर्नमेंट इस चीज को काफी प्रमोट कर रही है कि अगर फ्री होगा तो लोग ज्यादा इसको अप्रोच भी करेंगे. अदरवाइज हम लोग कितना भी काउंसिल करते थे कहीं ना कहीं कॉस्ट एक बहुत बड़ा इसका रीजन पड़ता था. बिल्कुल. अभी तो हमने इस पर बात कर ली. ये बताएं मुझे कि आपने कॉज भी बता ही दिया है लगभग, लेकिन इसका मेडिकेशन क्या है, मतलब इसको कैसे आप लोग जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं इसका? देखिए इसमें कोई भी कैंसर हो उसमें ट्रीटमेंट का स्टेजिंग पे डिपेंड करता है. उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं. जैसे मैंने पहले भी बोला कि सर्वाइकल कैंसर का जो प्री कैंसरस स्टेज होता है, लाइक इन्फेक्शन से कैंसर बढ़ने वाला जो स्टेज होता है, प्री कैंसरस स्टेज काफी प्रोलॉन्ग होता है, 10 to 15 ईयर्स. तो इस एक यही सर्वाइकल कैंसर जिसमें हम बहुत इजी मेजर्स के थ्रू इनको डिटेक्ट कर सकते हैं. लाइक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है जो हम लोग ओपीडी बेसिस पे करते हैं, उसे पैप स्मियर कहते हैं. अच्छा. उसमें पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है, उसमें कोई पेन नहीं पेशेंट को, कोई सिडेशन नहीं. सिंपली ओपीडी प्रोसीजर में हम लोग पेशेंट को लिटाते हैं और जो सर्विक्स के मतलब सर्विक्स है उससे थोड़ा सा हम लोग लिक्विड लेके उसको माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं. तो हमको ये थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से पेशेंट प्रोन है. अगर हम एक बार को पैप स्मियर से थोड़ा सा रूल आउट कर लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं उसकी बायोप्सी करके कि हम कैसे मतलब कंफर्म कर सकते हैं. तो इसके मतलब लाइक स्क्रीनिंग के बहुत सिंपल स्टेप हैं जो हम बहुत डे टू डे ओपीडीज में करते रहते हैं. इसके लाइक अगर हम लोग ओपीडी पे भी छोड़ते हैं, इनके मास कैंपिंग लेवल पे भी करें तो सिंपल कुछ चीजें होते हैं. जैसे हम कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन बाय एस्टिक एसिड, उसमें कुछ भी नहीं है. मास लेवल पे लेडीज को सिंपल एक केमिकल होता है एस्टिक एसिड 5% कहते हैं, उससे अगर हम हल्का से स्प्रेड करें तो वाइट हमको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो पाता है कैंसरस और नॉन कैंसरस एरिया. तो हमको एक आइडिया लगता है कि मे बी ये एरिया कैंसरस फ्यूचर में हो सकता है, तो हम इसकी बायोप्सी से कंफर्म कर सकते हैं. तो अगर हम एक बार को इन पेशेंट को रूल आउट कर लेते हैं कि और फिर बायोप्सी से कंफर्म कर लेते हैं कि कौन से पेशेंट कैंसर में हो रहे हैं. उसके बाद किसी भी कैंसर की स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फिर स्टेजिंग के लिए हम लोगों के और भी चीज क्लिनिकल स्टेजिंग होती है, फिर बहुत सारे और भी इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी एमआरआई कि एक्सटेंशन कहाँ तक गया. सर्वाइकल कैंसर की फिर स्टेजिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हुआ. बस मैं सिंपली बताइए लाइक अगर कोई पेशेंट को हम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसमें अगर हम मतलब ट्रीटमेंट देते हैं तो इम्प्रूवमेंट रेट 95% है अप्रॉक्स. सेकेंड में यही अप्रॉक्स 75% है, थर्ड में 45% है और जो फोर्थ स्टेज है उसमें 15 to 20% है. तो आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सिर्फ स्टेज कि अगर हम अर्ली डिटेक्शन करें तो मॉर्टेलिटी रेट कितना कम कर सकते हैं. अगर मैं ट्रीटमेंट वाइज बताऊं तो जनरली जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं फर्स्ट स्टेज में, स्टेज वन में सर्जिकल. ओके. और मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ, सेकेंड स्टेज में सर्जरी या कीमो रेडिएशन कुछ भी हो सकता है, दोनों के प्लस माइनस है. ऐसा नहीं कि सर्जरी लाइक लोगों को लगता है कि सर्जरी सुपीरियर है, बट ऐसा नहीं होता. ये डॉक्टर हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि सर्जरी होगी या कीमो या रेडिएशन होता है. स्टेज थर्ड में मेनली ये कीमो और रेडिएशन होता है. स्टेज फोर में पहले भी डिस्कस हुआ कि उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिंपली पेशेंट को पैलेटिव ट्रीटमेंट देते हैं. पैलेटिव ट्रीटमेंट का मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको सिम्टोमेटिक हम लोग बस ट्रीटमेंट दे सकते हैं. मेरे एक सवाल है आपसे, ये तो आपने बात की उन लोगों की जो डॉक्टर्स के टच में है, जो डॉक्टर्स के टच में नहीं है और उनको कैसे ये डिटेक्ट होगा या क्या कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दिस? बिल्कुल. देखिए हम लोग अगर मैं सिंपल एक्चुअली होता क्या, सर्वाइकल कैंसर फीमेल का ही कैंसर है. इंडिया में फीमेल्स अपनी हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट करती हैं.
जनरली जो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम होते हैं वो मेनस्ट्रुअल कुछ एबनॉर्मलिटीज होते हैं, लाइक एक्सेसिव मेनस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इंटर मेनस्ट्रुअल ब्लीडिंग, की पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग की हस्बैंड वाइफ साथ रहे उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, या बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है. तो यही जनरली सिम्टम्स होते हैं जनरली. अदरवाइज उसके अलावा तो वेट लॉस, पैरों में सूजन, कई सारे होते हैं. बट होता क्या है कि जनरली फीमेल्स इस चीज को नॉर्मली लेती है कि उससे बात क्या रही, ये तो हो ये गया, हो गया हाँ. तो बस सिंपली हम आजकल जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर्स है, अपनी सोसाइटी वाइज कैंप वगैरह लगाते हैं, तो उनको सिंपल ये बताते हैं कि ये सिम्टम है तो प्लीज एक बार डॉक्टर को कॉन्टेक्ट कीजिए. बस यही एक, अगर थोड़ी सी फीमेल्स इसके लिए अवेयर हो जाए तो मे बी हम लोग थोड़ा डिटेक्ट कर सके. बिल्कुल. और जिस तरह से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कैंसर के, वो आंकड़े मुझे लगता है कि वो घट जाएंगे, क्योंकि आप ही ये जानते हैं कि प्रिवेंशन करने से जो है वो आप किसी चीज को रोक सकते हैं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को रोक सकते हैं. हमारे साथ डॉक्टर्स थे जिनसे हमने बातचीत की है, और मुझे लगता है कि वो सारे तथ्य जो आपके लिए जानना जरूरी है वो सब हमने आपके साथ साझा किया है. ऐसी और भी खबरें हम आपको लेकर के आते रहेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.